नहीं एक मिनट ज्यादा जा, दे दूँ थोड़े से कैश कौन रखता है बट साहब आजकल अरे सौ ₹100 ही निकल रहे हैं उसका जेब आधा हाथ जाता है आधा अच्छा ₹300 सॉरी नहीं आई एम गुरु दक्षिणा <laughs> कभी-कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है तो मैं मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उधर जिसने आपके लिए बहुत जिसे आप जिसने आपको बहुत प्यार दिया है उस प्यार को लौटाना मुश्किल होता है पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं <laughs> सोच रहा था अभी कि भट्ट साहब को सारांश में जब हम मिले थे तो हम फाइव स्टार होटल में नहीं बैठे थे hmm. तो थैंक यू विक्रम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर इन ए फाइव स्टार होटल एंड फाइव हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा सो देट यू सो दट नहीं एक मिनट ज्यादा दे दो थोड़े से <laughs> कैश कौन रखता है भट्ट साहब आज कल अरे सौ रुपये ही निकल रहे हैं इसका तीन सौ रुपये सॉरी नहीं गुरु दक्षिणा नहीं आई थिंको प्यार को दिखाना कभी कभी मुश्किल होता है अब किसी दिन अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो भट साहब का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें आ, मुश्किल है आ, आंकना कभी मुश्किल है मेजर करना प्यार को गुरुदक्षिणा को भाव को बट इट्स वेरी आई एम वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग हेयर एंड आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बहुत इतने अच्छे दोस्त हैं कि अस्सी नब्बे लोग आज उदयपुर से यहाँ आए हैं इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं हो सकती है बच्चा बच्चा यहाँ पर यहाँ पर यहां पर, यहां पर सर यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट में सीनियर, सीनियर बच्चा अब सर यहाँ पर right. आ, हमारी बहुत ही वेटरन कोरियोग्राफर थी सरोज जी और जब भी वो खुश हुआ करती थी वो सौ रुपया दिया करती थी जो भी काम उन्हें अच्छा लगता था किसी का तो सौ रुपये ऐसे उनकी नज़र उतारने के लिए दे दिया करती थी अनुपम जी सामने बैठे हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्दा रोल उन्होंने किए हुए हैं अच्छा ओके तो सरोज खान जब थी जो जिनका भी रोल उन्हें बहुत अच्छा लगता था या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती थी तो वो अपनी ओर से सौ रुपये निकाल के उसकी नज़र उतारती थी आ, आप एक गुरु हैं और आपके शिष्य हैं और गुरु दक्षिणा की बात हुई है जब भी आपको इनका कोई रोल बहुत पसंद आया हो आपने अपनी ओर से क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़ उन्हें दी होगी जो मुझे? अब तक शायद मेमोरेबल होगा आप दोनों के लिए जी 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 सर इनका कोई रोल जी कुछ आपने दिया नहीं है मुझे कह रही हैं कि जैसे मैंने आपको दिया है आपने कभी कुछ दिया है उसका जवाब इनसे अच्छा, पूछने की जरूरत नहीं, नहीं दिया है। नहीं नहीं आप एक बात बताइए इनकी एंट्री से पहले इनकी एंट्री से पहले विक्रम भट्ट साहब ने खड़े होकर क्या कहा एक फिल्म का जिक्र किया था जिसका नाम था सारांश सारांश का जिक्र आते ही अजय जी भी कहते हैं कि हाँ साहब क्या बात है तो सारांश एक बोलते ना सौ सोनार की एक लोहार की एक, बस सारा की बदलावे की कोई फिल्म ले आई है उससे बड़ा फिर कुछ सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिल्म्स बट इसका जवाब मैं भाट साहब को देना चाहूंगा मुझे मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए अब इसकी जो परफॉर्मेंस इसने जो अपनी फिल्म में दी जो इसका इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे होट जो है सी दिए हैं मगर

अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया सारांश जैसी फिल्म देखे तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए उनको उनके <laughs> जी वो तब से ऐसी थी आज से चालीस साल पहले से ऐसी थी यस Hope you have got the message. My intention was to communicate a behavior code which is necessary, and I hope you will take it in the right spirit. Yes, sir. Thank you. Thank you. Uh, hi, Mahesh. Sir. Mahesh, but sir, yeah, Samir here from Movie Talkies. Sir, so you own a lot of franchisee, Let's say, Sadak, like Ashiki, and Murder. So, any plans on you know the next films? I don't own them. Vishesh Film owns them, and I. Yeah. Nothing to do you with the films, It's a Mukesh okay, enterprise. I have nothing to do with it.